हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन इन योर फेवरेट चैनल साइंस ईरा बाय डॉक्टर प्रियंका सैनी। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आपको मैंने पहले क्लास में भी बताया था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो स्टेप में होता है, लाइट रिएक्शन नंबर वन एंड नंबर टू इज द डार्क रिएक्शन। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। सो इन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज लाइट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो केमिकल प्रोसेस। विच प्रोसेस? फोटो केमिकल। वाई इट इज नोन एज फोटो केमिकल प्रोसेस? फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मीन्स योर केमिकल्स, इन विच फोटो लाइट, लाइट इज एक्टिवेटिंग योर केमिकल टू वर्क, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो केमिकल प्रोसेस। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। हु हैज डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस? रॉबर्ट हिल। एंड वेयर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में मैंने जब क्लोरोप्लास्ट एज अ सेल ऑर्गेनेल एक्सप्लेन किया, वहां मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि क्लोरोप्लास्ट दो चीजों से मिलकर बना है, ग्रेना और स्ट्रोमा। आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और उसका लिंक से क्लोरोफिल की बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे? रॉ मटेरियल में यूज होगा आपका लाइट और वॉटर। लाइट मीन्स योर सनलाइट, वॉटर इज H2O, और प्रोडक्ट क्या निकल के आएंगे? ATP। मैंने आपको क्लास 9th में बताया था ATP क्या है, आपका एनर्जी करेंसी, NADPH2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। दिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स, थ्री डिफरेंट स्टेप हैज बीन वर्क इन दिस प्रोसेस। फर्स्ट इज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। आपको मैंने बताया था लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे ही सनलाइट यहां होती है, गिरती है इस पे, तो स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में गिरती है, और उन स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। जब ये क्वांटम एनर्जी पैकेट्स क्लोरोफिल पे आके गिरते हैं, तो ये क्लोरोफिल को कर देते हैं एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के अंदर क्या स्टोर्ड है? वाटर, जो कि हमारा सेकेंड आएगा स्टेप, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जब फोटो मतलब कि लाइट की वजह से पानी का H2O का ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाती है, वो स्टेप होगा हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता, वो निकलता है वाटर मॉलिक्यूल से, और वो किस प्रोसेस से निकलता है? थ्रू फोटोलाइसिस। देखिए, ये आपका H2O मॉलिक्यूल होता है, जिस समय क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है और क्लोरोफिल में वाटर प्रेजेंट होता है, तो इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन के बाद आपके पास हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाता है और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। ऑक्सीजन सेपरेट होके कन्वर्ट हो जाता है O2 में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है O2 में, जो कि हमारा एक प्रोडक्ट है, राइट। अगले प्रोसेस है फोटो फास्फोराइलेशन। अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? लाइट। यस, एब्सोल्युटली राइट, फोटो मीन्स लाइट, और फास्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट मोलिक्यूल, एडिशन ऑफ फॉस्फेट मोलिक्यूल। हमारे पास होता है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसमें मिल जाता है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। सो लाइट की प्रेजेंस में जब एक फॉस्फेट यहां ऐड हो गया और ये कन्वर्ट हो गया ATP में, इसमें कन्वर्ट हो गया ATP में, तो ये प्रोसेस कौन सी है हमारी? फोटो फास्फोराइलेशन, मतलब सनलाइट की वजह से फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें एड हो गया, राइट। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे। ये पूरा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, बट डे टाइम के अलावा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो नाइट टाइम में भी होता है। सो फोटो फास्फोराइलेशन में जो सेकेंड स्टेप है वो है डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है थर्मोकेमिकल रिएक्शन. व्हाट? थर्मोकेमिकल रिएक्शन. दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन एंड केल्विन. मेल्विन एंड केल्विन, राइट? दिस मेल्विन एंड केल्विन हैज डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस इन द स्ट्रोमा. कहां? स्ट्रोमा में. किसके? क्लोरोफिल के. क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है. और डार्क रिएक्शन में रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड. जो जो यहां से रिलीज हुआ वो रॉ मटेरियल यहां यूज करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्री होता है तो ये एयर में रिलीज होता है. NADPH2, ATP और कुछ एंजाइम. इन सबको मिला के फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है डार्क रिएक्शन का? ग्लूकोज. फूड ऑफ द प्लांट, राइट? ये प्रोसेस भी तीन स्टेप्स में होता है. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन के साथ इन एंजाइम्स का मिलना. ये है राइबुलोज फॉस्फेट, ये है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और रुबिस्को मिलते हैं C3 और C4 प्लांट में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रुबिस्को में और पेप्को में. C3 प्लांट में राइबुलोज फॉस्फेट रहता है और C4 में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट रहेगा, ठीक है? अब अगले प्रोसेस में हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. कार्बन ने इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया और ये कन्वर्ट कर देंगे खुद को किसमें? ग्लूकोज में. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6. एब्सोल्युटली राइट. यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज रीजेनरेशन ऑफ रुबिस्को, सॉरी राइबुलोज फॉस्फेट. राइबुलोज फॉस्फेट ने कार्बन के साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट कर दिया खुद को C6H12O6 में. इसके बाद ये फ्री हो गया है क्योंकि इसने कार्बन को कंबाइन करवा दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ. अब ये फ्री है और वापस से इसका हो जाता है रीजेनरेशन. इस प्रोसेस के दौरान हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वाटर के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है. ये दो स्टेप है. आप इसको नोट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने नोट्स बना के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और नो डाउट यू विल गेट फुल मार्क्स. दिस इज माय गारंटी. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली है लाइट. लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. हाउ? अगर लाइट बहुत ज्यादा तेज होगी तो क्या होगा? जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होगा वो डीनेचर हो जाएगा. डीनेचर का मतलब टूट जाएगा. टूटने के बाद उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो लाइट कैसा होना चाहिए? लाइट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये विबग्योर को यूज करता है, विजिबल लाइट को यूज करता है. सो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो होता है रेड कलर पर. मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रेड कलर पर होता है और जो मिनिमम होता है वो होता है ग्रीन कलर पर. ग्रीन कलर पर मिनिमम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रेड कलर पर मैक्सिमम. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर रेंज बेस्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में भी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डाउन चला जाएगा. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है हमारे पास क्वांटिटी? 0.03% टू 0.01% तक की रेंज में एक बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन बहुत हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो जाएगा? आपका लो हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रॉ मटेरियल है ना, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है. अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. और ऑक्सीजन के अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? देखिए, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दैट इज वॉटर. वॉटर इज
इक्वली एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में होगा, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा. इसके अलावा लास्ट है आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फोटोसिंथेसिस. जितने ज्यादा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा. सो इस टॉपिक के साथ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फोटोसिंथेसिस की एडवांटेजेस क्या है. नंबर वन, ये फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए. एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नंबर वन ये फूड प्रिपेयर करती है आपके प्लांट्स के लिए. एंड नंबर टू, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर. राइट, ये दो है इसके एडवांटेजेस. इसके साथ मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे देती हूँ. हमने क्या क्या किया है, हमने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन किया है, हमने फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है वो किया है, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आते हैं, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है, लाइट और डार्क रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन के स्टेप्स किए हैं हमने, डार्क रिएक्शन के स्टेप्स किए हैं हमने, उसके बाद हमने किया है किन किन ने इनको डिस्कवर किया है, उसके बाद हमने किया है कि कौन कौन सी चीजों का क्या क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे और फोटोसिंथेसिस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं. इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेरीज हो सो प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू विल गेट ऑल द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर अ बेटर स्टडी. थैंक यू.